नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील फ्रॉम इकॉम-टेक का तड़का। और आज का जो वीडियो है वो मैं स्पेशली अपने जो व्यूअर्स हैं उनके रिक्वेस्ट के बेसिस पे बना रहा हूँ, वैट और सीएसटी के रिलेटेड। तो वैट और सीएसटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो देखते रहिए एंड तक इस वीडियो को, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं इस टॉपिक के इर्द गिर्द वो सारे सॉल्व हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला जो सवाल है सबसे बड़ा वो है, कैन वी स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस विदाउट टिन और सीएसटी? तो दोस्तों जवाब है हाँ और ना। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो अलाउ करती हैं विदाउट टिन नंबर एंड सीएसटी नंबर आपको सेल करने के लिए ऑनलाइन, और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स वो अलाउ नहीं करती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, पेटीएम है, और कुछ वेबसाइट्स है, जबोंग है, मिंत्रा है, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स उनके वेबसाइट में विदाउट टिन एंड सीएसटी नंबर अलाउड नहीं करती है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनमें सेल कर सकते हैं, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। अब कौन सी वेबसाइट में आप ये प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, जैसे कि ईबे है, शोपो है और क्राफ्टली है, ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी एज ऑफ नाउ आप विदाउट टिन नंबर और सीएसटी नंबर आप प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ईबे में इसलिए है क्योंकि ईबे जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो अब एंड यूजर्स के लिए स्टार्ट हुआ था, ताकि वो अपने यूज प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। अब ये मार्केट प्लेस मॉडल में आ चुका है, अब धीरे धीरे वो लोग कम्प्लीटली इंटू मार्केट प्लेस में मूव हो रहे हैं, मतलब यूज प्रोडक्ट्स धीरे धीरे उसमें अब कम हो जा रहे हैं ईबे में। तो इससे क्या होगा कि अब ईबे बहुत ही जल्द मैंडेटरी कर देने वाला है, पैन नंबर, टीन नंबर, सीएसटी नंबर, ये सब मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप बेचना चाहते हैं ईबे में तो आप विदाउट टीन नंबर एंड सीएसटी नंबर अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ बेच सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, वो सारी वेबसाइट में आप विदाउट टिन एंड सीएसटी नंबर प्रोडक्ट्स बेचना अभी आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच वेबसाइट्स अलाउड टू सेल विदाउट टिन एंड सीएसटी? तो शायद इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि ईबे, शोपो, क्राफ्टली जो है वो आपको विदाउट टिन और सीएसटी अलाउ कर रही है अभी सेल करने के लिए, और दूसरी वेबसाइट जो है वो अलाउ नहीं कर रही है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड विदाउट टिन एंड सीएसटी एंड इन विच वेबसाइट? देखिए ईबे में, शोपो में, क्राफ्टली में और भी कुछ वेबसाइट्स हैं छोटी छोटी जो जहाँ पे आप विदाउट टिन एंड सीएसटी प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसी होंगी वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अमेज़ॉन और स्नैपडील, पेटीएम वगैरह जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप सारे वेबसाइट्स में टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो सब आप बेच सकते हैं। अब टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल बुक्स हैं, ठीक है, हैंडलूम्स हैं, और हैंड स्टिच क्लोथ्स हैं, या हैंड स्टिच कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वो सारे प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप वो सब कोई भी वेबसाइट में आप बेच सकते हैं, उसमें आपको टिन नंबर और सीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में घुसना चाहते हैं इनिशियली, तो आप शुरुआत करिए बुक्स से, क्योंकि बुक्स बेचना बहुत आसान होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ठीक है। अभी देखिए बुक्स के अंदर भी काफ़ी सारे कैटेगरीज होते हैं, सारी बुक्स जो होती है वो फ्री नहीं होती है, स्टेशनरी के रिलेटेड जो भी रहता है उसमें फ्री नहीं होता है, जैसे नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक्स जो है वो टैक्स फ्री नहीं है, मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, पढ़ने वाली जो बुक्स होती हैं, रीडिंग की बुक्स जो होती हैं वो सारी टैक्स फ्री आइटम्स होती हैं काफ़ी हद तक। तो उसके लिए आपको टिन नंबर और सीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हैंड स्टिच प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर भी आपको टिन नंबर और सीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं अगर आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। सबसे बेस्ट जो होता है मेरे हिसाब से बुक्स का होता है और हैंडीक्राफ्ट का होता है। हर एक स्टेट में आपको अपने स्टेट की एक हैंडीक्राफ्ट का एक जो स्टाइल होता है, वो हैंडीक्राफ्ट का स्टाइल हर एक स्टेट में अलग होता है, तो आप अपने स्टेट में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हैंडीक्राफ्ट का, वो प्रोडक्ट आप शुरुआत कर सकते हैं ऑनलाइन बेचने के लिए।
मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आप इनिशियली हो सके उतना एक ही वेबसाइट में ट्राई करिए पहले, और फिर धीरे धीरे आप दूसरी वेबसाइटों में ट्राई करिए, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, कैन यू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वैट एंड सीएसटी? आंसर है नो, आप ऑनलाइन वैट एंड सीएसटी नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लोकल सेल्स टैक्स ऑफिस में जाके आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और जो भी पेपर वर्क है वो सारा आपको देना पड़ेगा, और वहाँ से फिर वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होने के बाद आपने जो भी एड्रेस दिया है वो एड्रेस पे वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको टिन एंड सीएसटी नंबर मिलता है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप रिटेल सेल कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो काफ़ी सारी जगह पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, वहाँ पे आपको 5 लाख तक का सेल जब तक होता नहीं है तब तक आप टिन नंबर अप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही 5 लाख का टर्नओवर आपका हो जाता है तो उसके बाद मैंडेटरी हो जाता है टिन नंबर लेना, ठीक है। सीएसटी नंबर तो मैंडेटरी है ही, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हैं, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेट्स से आप गुजरात में हैं अभी और आपको राजस्थान या फिर कोई भी दूसरे स्टेट में भेजना हो, तो सीएसटी नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और सीएसटी नंबर आप जब लेने जाएंगे तो आपको वैट नंबर भी लेना ही पड़ेगा, वैट नंबर के बिना आपको सीएसटी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वैट नंबर मैंडेटरी है सीएसटी नंबर को साथ में लिंक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का सोच रहे हैं विदाउट वैट एंड सीएसटी, तो फिर आप बुक्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, वो सारी प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, या फिर ईबे में, क्राफ्टली में, शॉपों में, वहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन, जैसे कि ये सवाल था कि कैन यू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वैट एंड सीएसटी, जवाब है नो, आप नहीं कर सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा लोकल सेल्स टैक्स ऑफिस में, सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अभी व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो अगर आपको सीएसटी और वैट के नंबर, टिन नंबर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, तो पहले आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब आपको जो भी कंपनी का फर्म है, वो फर्म का अगर प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड है, जो भी है, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप लोकल म्यूनिसिपैलिटी में या फिर जो भी आपके वहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे आप अपना गवर्नमेंट, अपने कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे गुजरात में अगर हम हैं तो यहाँ पे गुमास्ता धारा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो गुमास्ता धारा और प्रोफेशनल टैक्स हमको पहले लेना पड़ता है, उसके बाद जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं और एड्रेस है, कंपनी का पैन नंबर है अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपका ही पैन नंबर लगेगा, और घर का एड्रेस आपका देना पड़ेगा पर्सनल, और कंपनी का एड्रेस, पर कंपनी का एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। ये सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए टिन नंबर के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अ कंपनी टू गेट सीएसटी? यस, इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर द कंपनी टू गेट सीएसटी। और वैट के लिए अगर आप सिर्फ वैट नंबर लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली 5 लाख तक कोई भी वैट टिन नंबर लेने के लिए। वैट और टिन नंबर बेसिकली हम सेम ही बोलते हैं, ठीक है। वैट नंबर अभी पहले थोड़ा बाइफोकेशन था, बट अभी वैट और टिन सेम ही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टैन नंबर जो होता है वो अलग होता है, वो जो आप टैक्स डिडक्ट करते हैं एट सोर्स, उसके लिए टैन नंबर ज़रूर पड़ता है। अभी आपको यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे है, कैन यू अप्लाई फॉर टिन एंड सीएसटी नंबर इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम होम? यस, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं और आपको टिन और सीएसटी नंबर आपके घर से लेना है तो आप घर से भी ले सकते हैं। उसमें होता क्या है, अगर आप घर से लेना चाहते हैं टिन नंबर और सीएसटी नंबर, तो आपके घर के बाहर जो है वो आपके कंपनी का नाम जो भी है उसका एक बोर्ड लगाना पड़ता है, वो मैंडेटरी है। फिर भले ही आप घर से बिजनेस करें उसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका जो टैक्स आएगा आपके प्रीमिसेस का जो टैक्स है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप जो टैक्स भर रहे हैं आपके घर का, ठीक है, वो टैक्स थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आप वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात आइडिया आ गया होगा कि कौन से टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी टैक्स हर साल आपको देना पड़ता है वो घर का कम होता है, और जहाँ से बिजनेस होता है वहाँ का प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा होता है, तो वो बढ़ जाएगा और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा।
विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट टिन नंबर एंड सीएसटी, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है दोस्तों. कैन यू स्टार्ट द कंपनी विद मल्टीपल मेंबर्स ऑफ द फैमिली और फ्रेंड्स एंड हाउ डज दिस वर्क. आप जितने भी चाहें उतने मेंबर्स को आप एक कंपनी में ऐड कर सकते हैं. टू बिगिन विद आप पार्टनरशिप फर्म इनिशिएट कर सकते हैं. पहले पार्टनरशिप फर्म में आप जितने हो सके उतने कंपनी मेंबर्स को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. आपकी मर्जी है, उसमें कुछ नहीं है. आपको कोर्ट में जाके एक नोटरी कराना पड़ता है. नोटरी कराने से आप जो है एक मतलब कंपनी खड़ी कर सकते हैं. ठीक है, नोटरी कराने के बाद आपको उसका जो सर्टिफिकेट है, गुमास्ता दारा है या फिर आपके स्टेट में जो भी उसको बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. और वो सर्टिफिकेट एक साल के लिए ही वैलिड होता है. हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है. साथ साथ आपको प्रोफेशनल टैक्स भी एडवांस में ही भरना पड़ता है. और हर साल आपको प्रोफेशनल टैक्स भरते रहना पड़ेगा. अगर ये आप रिन्यू नहीं कराएंगे, फॉर्म डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और प्रोफेशनल टैक्स अगर आप हर साल नहीं भरेंगे, तो फिर आपको पेनल्टी भी लग सकती है और इंटरेस्ट तो लगेगा, वो अलग से. ठीक है, और जहाँ तक कि मेरा सुझाव है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के पास से इन्वेस्टमेंट लेके कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना पहले प्रोप्राइटरशिप में करिए. क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में पहले इनिशियली आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा. और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी कम लगेगा. ठीक है, और पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बाई डिफॉल्ट आपका जो भी कंपनी का इनकम होता है उसका 30% आपका फ्लैट इनकम टैक्स लगता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उस पर. ठीक है, आप प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप में डिपेंड्स ऑन कि आपकी कंपनी का इनकम कितना हुआ है, उसके ऊपर 10% 20% या 30% का स्लैब एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 30% हो जाता है. उसके बाद आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉफिट 10 लाख का होता है एज अ पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है 50-50% के. तो अगर आपका प्रॉफिट हो गया 55 लाख रुपीज़ और दूसरे पार्टनर का हो गया 5 लाख रुपीज़, तो दोनों को 30% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, ये मैंडेटरी है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं. और वही चीज़ लेट से अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं, मतलब सिंगल ओनर हैं आप खुद, और अगर आपका इनकम हो रहा है 5 लाख रुपये, ठीक है, तो 5 लाख रुपये में आपको 5 लाख या 4.5 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको 10% ही लग रहा है. ठीक है, तो जहाँ पे आपको पार्टनरशिप में 5 लाख पे 30% देना पड़ रहा है इनकम टैक्स, वहीं आप ऑलमोस्ट 5 लाख पे 10% प्रोप्राइटरशिप में टैक्स भरेंगे. तो ये डिफरेंस आता है पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में. पार्टनरशिप फर्म ज़्यादातर लोग इसलिए प्रिफर करते हैं कि एक अगर बंदा कंपनी चला रहा है तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो कंपनी ग्रो जल्दी नहीं करती है. और पार्टनरशिप फर्म रहने से क्या होता है, अगर एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर मतलब जो बिजनेस में साथ साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो आइडिया सजेशंस मिलकर साथ में बैठकर आइडिया सजेशन निकालते हैं, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, वो सारी बातें भी होती हैं. तो बिजनेस ग्रो जल्दी करता है और रिस्क भी कम होता है. और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप सिंगल डिसीजन मेकर हैं, तो आप जो भी डिसीजन आपके हिसाब से सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो सही है, बट वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिसर्च, अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस, वो आप सही है डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसका 100% इंश्योरेंस नहीं होता है. क्योंकि वो आपका सेल्फ बिलीफ है, आप खुद सोच रहे हैं कि वो 100% वो काम करेगा, बट अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड वो ज़रूरी नहीं है कि काम करेगा. तो आपके साथ अगर कोई पार्टनर्स हैं तो वो पार्टनर्स रहने से क्या होगा कि उनको जो थोड़ी नॉलेज है वो नॉलेज आपको मिलेगी. और कहीं अगर शायद आप गलत काम करें, कहीं गलत स्टेप आप लेने जा रहे हैं, तो वो स्टेप शायद आप रोक लें. ठीक है, तो वैट और सीएसटी नंबर के बारे में जो भी क्वेश्चंस थे, आई होप कि मैंने वो सारे बता दिए हैं दोस्तों. अगर आपको इसके छोड़ के अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए, और जितना हो सकेगा उतना जल्दी मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा सारे कमेंट्स के. और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताता रहूँगा. और आगे जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको ज़रा सा हिंट दे देता हूँ. अगर आपके पास
आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है और आप प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, तो उसका हर एक ऑर्डर का एक इनवॉइस नंबर जनरेट होना चाहिए। इनवॉइस नंबर सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस नंबर आप क्या कंसिडर करते हैं? बेसिकली आप अभी जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे तो जो इनवॉइस वहाँ से डाउनलोड होता है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या स्नैपडील से, वही इनवॉइस नंबर आप कंसिडर कर रहे होंगे। लेकिन वो जब आप रिटर्न भरने जाएंगे इनकम टैक्स पे या फिर सेल टैक्स पे, बेसिकली सेल टैक्स पे जहाँ पे आप रिटर्न भरेंगे हर महीने या हर क्वार्टरली, तो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना पड़ता है इनवॉइस का। तो वहाँ पे आप अमेजोन का या स्नैपडील का इनवॉइस का सीरियल नंबर नहीं दे सकते। तो आपको अपनी तरफ से हर एक ऑर्डर का एक इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। हमारी कंपनी में हम हर एक ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं रोज के 300, 400, 500 या 1000, वो हर एक ऑर्डर का हम सिंगल लिस्ट, सिंगल एंट्री करवाते हैं टैली में। तो हर एक ऑर्डर का एक टैली में जो इनवॉइस नंबर है वो जनरेट हो जाता है। तो आपको भी अभी भले आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या फिर बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बट आपको बाद में जब अगर कोई स्क्रूटिनी आती है या फिर कोई ऑडिट आता है, तो ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। क्योंकि ई कॉमर्स लाइन में, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आपको कोई सवाल पूछ लिया जाएगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी सारी टैक्स की जो है चोरी होती है, ये आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे टैक्स की चोरी होती है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बहुत सारे सेलर्स होते हैं इंडिया में जो टैक्स नहीं भरते हैं, जिनके पास टिन नंबर और सीएसटी नंबर नहीं होता है, और जिनके पास होता भी है वो लोग भी सारे जो सेल्स हैं वो सेल्स डिस्प्ले नहीं करते हैं, बताते नहीं है कि इतना सेल हुआ है, बहुत कम सेल बताते हैं। तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर एक जो पेमेंट आता है वो पेमेंट आपके अकाउंट में आता है, तो वो वाइट का पैसा पूरा अकाउंट में आता है। और वो पेमेंट जब आता है तो वो पेमेंट किस ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आया उसकी भी डिटेल्स अमेजोन, स्नैपडील या पेटीएम के पास रहती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया का पेमेंट आया अमेजोन से, और आप सेल बताएंगे सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कि 50,000 का ही सेल हुआ है, तो वो नहीं चलने वाला है। वो कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे और प्रॉब्लम में आ सकते हैं सेलर्स। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी सेलर से कि जितना भी पेमेंट आ रहा है उस हिसाब से, और जितना भी सेल हो रहा है उस हिसाब से, आप हर एक ऑर्डर का एक इनवॉइस नंबर जनरेट करते रहेंगे। तो उसके लिए वो कैसे आप कर पाएंगे, उसके लिए मैं बहुत ही जल्द टैली के ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स में शुरू करने वाला हूँ। टैली में आप कैसे वो मेंटेन कर पाएंगे, जैसे कि ऑर्डर एक आया तो वो टैली में आप कैसे एंटर करेंगे, आपके दूसरे एक्सपेंसेस टैली में आप कैसे एंटर करेंगे, कैसे लेजर क्रिएट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, पूरी ई कॉमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन टैली में कैसे अपडेट होती है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं, वो सारी उसके सब ट्यूटोरियल्स में बनाने वाला हूँ। तो ये साल तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, लेकिन अगले साल तक मेरे हिसाब से जितने भी ट्यूटोरियल्स बनने चाहिए ई कॉमर्स के रिलेटेड, वो सारे ट्यूटोरियल्स रेडी हो जाएंगे। और कोई अगर नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से वो सारे ट्यूटोरियल्स देख के अपने आप आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो मेरे लिए, कोई सजेशन हो, तो आप बताइए, डेफिनेटली मैं उस पर वर्कआउट भी करूँगा। और कोई अगर मिस्टेक हो रही है मेरी तरफ से तो भी आप बताइए, मैं फीडबैक लेने में बिल्कुल घबराता नहीं हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ फीडबैक लेने में, और अगर मेरी गलती है तो मैं उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर आप मिस ना कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।